तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही बना हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कि एक चार्ज के आसपास एक ऐसी जगह, स्पेस फील्ड जगह, जहां पर कोई और चार्ज अगर रखा जाए तो दोनों चार्जेस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकें। तो अगर वो कर सक रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इस केस में क्या वो किस में प्रेजेंट है चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे कोई भी एक चार्ज है, मान लो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, आपके पास कोई क्यू चार्ज है और मुझे पता है इस क्यू के आसपास ये जगह जिसके बीच में अगर मैं कोई और चार्ज रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, कहीं भी रखूं, तो ये चार्ज इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग कि इनकी नेचर क्या है। तो कहीं भी रखो कोई भी चार्ज, तो ये चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो क्यू डैश, क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश, ये जो चार्जेस हैं वो इस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। और कौन से फील्ड में प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि ये क्यू चार्ज का इतना इन्फ्लुएंस है इस जगह में कि किसी भी और चार्ज या और पड़े हुए चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो ये इसके फील्ड में प्रेजेंट है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड जगह। अब जैसे ये एग्जाम्पल और चेंज और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के आसपास ऐसी जगह जहां पर कोई आप पत्थर या कोई भी प्लैनेट या कुछ भी रखेंगे, कोई मास रखेंगे, तो अर्थ उसे खींच पाए, तो हम बोलते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ? अर्थ के आसपास ऐसी स्पेस जहां पर कोई और मास रखा जाए तो अर्थ उसे खींच सकती है, तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है। तो क्लियर है यहां तक? फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर भी किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे? सपोज करो आपके पास कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के आसपास ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, अगर आप कहोगे कि चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पड़ा हुआ है, तो ये क्यू चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, ये फिर फील्ड से बाहर निकल गया। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर ये क्यू चार्ज इस फील्ड के, ये क्यू चार्ज का ये फील्ड है, और अगर मैं इस क्यू चार्ज से यहां पे कोई चार्ज रखता हूं क्यू डैश, नो डाउट इसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो नो डाउट अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, यहां पे रखता हूं जरूर करेगा, यहां पे रखता हूं तो नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? तो ये चार्ज यहां पर इसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये चार्ज यहां पे इसे थोड़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि जितनी दूर जाओगे क्यू चार्ज से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, ऐसे ही है ना? तो कम होती जाएगी, तो क्यू चार्ज से दूर जाते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और फिर एकदम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ऐसा ही है, कम 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 होते हुए खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस जगह के अंदर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको याद होगा तो ग्रेविटेशन के अंदर टर्म यूज करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से शायद रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो, ई से, कई लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ई है या आई है, कुछ ऐसे, राइट? तो इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जितना चार्ज के पास रहेंगे स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग रहेगी, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम 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 और फिर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हम बोलते नहीं, अर्थ के पास अगर आप हो तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है, दूर जाते जा रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होता जाता है, वीक होता जाता है, वीक, और फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी सेम है। तो क्यू चार्ज के जितनी पास रहोगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग रहेगी, दूर जाओगे तो वीक हो जाएगी, और दूर जाओगे वीक 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 होते होते क्या हो जाएगी? एकदम जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब कि
इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है, एक जगह है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब कि कितनी स्ट्रांगली कोई चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस जगह पर स्ट्रेंथ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो हर पॉइंट पर डिफर करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा कि स्ट्रांग है, वीक है, वीक है। अब मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि उसकी वीक स्ट्रांग की बजाय नंबर बताऊं कि एग्जैक्टली नंबर में वो वैल्यू है कितनी। अगर मैं कहता हूँ स्ट्रांग है तो कितनी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वीक है तो कितनी वीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ, जब यहाँ पे आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एकदम जीरो। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का सिंबल क्या रहता है, ई। तो ई से क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ को फिजिक्स में इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या कभी कभी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो जगह होती है, पर बुक्स बोलती हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, फील्ड कितना है। अब फील्ड तो जगह होती है और चलता है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब ई बता देना मुझे कितना है, तो स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ। तो क्लियर है यहां तक। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो उसको मेजर करने का तरीका क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे अगर आपके पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है, इस क्यू चार्ज से दूर, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको मेजर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो क्यू चार्ज से दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी आपको मेजर करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, यहां तक करें स्टार्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कौन रहा है, कौन लगा रहा है, क्यू चार्ज लगा रहा है, ऑब्वियसली कोई तो फील्ड। अगर मैं कहूं यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। तो यहां पर फील्ड कौन लगा रहा है, क्यू लगा रहा है। हम किसका फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं, क्यू की फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर बहुत स्ट्रांग है, क्या वो डिपेंड करता है कि मेरा मास कितना है, या इस पेन का मास कितना है, या आपका मास कितना है। नहीं, आपका मास ज्यादा होगा तो अर्थ फील्ड ज्यादा लगाएगी, आपका मास कम होगा तो फील्ड कम लगेगा। नहीं, आपके मास पे डिपेंड नहीं करता, अर्थ का फील्ड अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर में याद करो तो फॉर्मूला था फील्ड निकालने का, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर नहीं था, वो तो फोर्स होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर मतलब जो फील्ड लगाता है, जो जैसे अर्थ फील्ड लगाती है तो अर्थ के मास पे फील्ड डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है तो अर्थ बहुत दूर तक अपने फील्ड की स्ट्रेंथ को लगा सकती है। तो जहां पर हमने फील्ड निकालना है वहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि फील्ड किसका स्टडी किया जा रहा है, क्यू का। तो फील्ड के फॉर्मूले में, ई के फॉर्मूले में कौन अपना रोल प्ले करेगा, क्यू करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा कि अगर मुझे यहां पर ई निकालना है तो मैं यहां पर इमेजिन करता हूं कि यहां पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, यहां पर इमेजिन करता हूं, पड़ा नहीं हुआ, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पर चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट एक इमेजिनरी इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने के काम आता है। कहीं आप कहोगे कि सर फिर तो ये बात होगी कि इसका फील्ड निकालूं कि इसका फील्ड निकालूं, किसका, ये फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी चार्ज है, इसका फील्ड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर आप कहोगे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, फिर करेगा क्या, करना क्या फिर इसका हमने, मैं बताता हूं क्या करना है। तो ये इमेजिन करो कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू नॉट इमेजिनरी चार्ज है, कहां रखना है, जहां पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे फील्ड की वैल्यू यहां पे निकालनी है तो मैंने यहां पर टेस्ट चार्ज रख लेना है। फिर क्या करना है टेस्ट चार्ज का, तो ई निकालने का तरीका, अगर आपको इस पॉइंट पे ई निकालना है, पहली बात ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक वेक्टर है, ई भी एक वेक्टर है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर, जो भी इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो क्यू नॉट पे फोर्स लगी, किसने लगाई, क्यू ने लगाई, इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से क्या कर देना है, डिवाइड। तो फोर्स को चार्ज टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी। देखो कैसे, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कैंसल। तो आंसर क्या आएगा 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आपने एक चीज नोट की, मैंने कुछ टाइम के लिए क्यू नॉट लिया लेकिन उसको सिर्फ यूज किया और फिर ऑटोमेटिकली वो अपने फॉर्मूले से क्या हो गया हट गया। तो ई की जो वैल्यू है, जो ई की वैल्यू है, तो वो ई की वैल्यू में कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ चार्ज क्यू जिसने की फील्ड लगाया। किसने फील्ड लगाया, क्यू ने फील्ड लगाया। तो इस फॉर्मूले में, ई के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, आपने देखा। तो क्यू नॉट तो सिर्फ एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है, इसका कोई लेना देना नहीं है इसकी वैल्यू से। तो ई जहां पर भी निकालना है, रूल नंबर वन, जहां पर भी ई निकालना है राइट, तो वहां पर जहां पर आपने ई निकालना है तो वहां पर आपने टेस्ट चार्ज क्या इमेजिन करना है, क्यू नॉट। तो जैसे अगर क्यू चार्ज है, आपको आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ई निकालना है, तो आप इमेजिन करेंगे, प्लीज इमेजिन करेंगे, है नहीं, एक टेस्ट चार्ज कितना क्यू नॉट। और फिर यहां पर ई निकालने का तरीका क्या बताया, फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। और मैंने बताया कि 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर को टेस्ट चार्ज से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा ई निकालने का। बहुत लोग कहते हैं यार फिर फायदा क्या हुआ, पहले क्यू नॉट ले लिया, फिर कहा नहीं नहीं वो तो इमेजिनरी है, फिर कहा कि नहीं नहीं वो ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, बाद में कहते कैंसिल करके कैंसिल। तो भाई लाना ऐसे ही बता देते हैं यार ई का फॉर्मूला था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, हम समझ लेते हैं ठीक है ऐसे निकलता है। एक्चुअली कुछ इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि ई जो है, ई जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स नहीं है, वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। डेफिनेशन ऑफ ई जो है, ई की जो डेफिनेशन है, ई की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसलिए टेस्ट चार्ज का लगना जरूरी है, क्योंकि मैं इसको फोर्स नहीं बोल सकता ना, इसको क्या बोलना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ई के, ई के फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब आप कहोगे ये कॉम्प्लिकेटेड है, अब मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को पसंद नहीं आया, क्यू नॉट लो क्यू नॉट से डिवाइड करो, क्यू नॉट लो क्यू नॉट से डिवाइड करो, छोड़ो एक नया तरीका सीखते हैं। ये तो सिर्फ बाय डेफिनेशन किताबी लैंग्वेज है, ये मैं आपको एक नई डेफिनेशन सिखाता हूं जो मैं यूज करूंगा पूरे चैप्टर में, बहुत आसान है और हर कोई वही यूज करेगा मुझे इतना मालूम है। क्या हम क्या करेंगे, अगर ये क्यू चार्ज है ना और मुझे आर डिस्टेंस दूर, यहां पर अगर मुझे ई निकालना है तो मैं क्यू नॉट ही लूंगा, मैं टेस्ट चार्ज पता है क्या लूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं क्यू नॉट इमेजिनरी चार्ज क्यू नॉट ही लूंगा, मैं क्या लूंगा प्लस वन, जहां भी ई निकालना है वहां चार्ज क्या एज्यूम कर लूंगा प्लस वन। मुझे क्यू नॉट तो कर ही रहे थे, मेरे कहे पे प्लस वन करके देख लो, तो प्लस वन। बस ये बता दो इस क्यू ने इस प्लस वन को कितनी फोर्स लगाई, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, हाँ बस यही फॉर्मूला है ई का, मेरे ख्याल से डन हो गया, डन कुछ करना ही नहीं है यार, क्यू नॉट ला के क्यू नॉट काटने से अच्छा यार वहां प्लस वन ही रख दो। तो प्लस वन ने कितनी फोर्स लगाई, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस वन रखने का ये मोटिव है कि क्योंकि ई के फॉर्मूले में क्यू ही आना चाहिए, यहां का चार्ज आएगा ही नहीं। फिर आप कहोगे कि ये प्लस वन ही क्यों, कुछ और चीज क्यों नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ ये मेरे माइंड में प्लस वन आया तो आया कैसे। देखो प्लस वन ऐसे आया, आप मुझे एक बात बताओ कि जो अगर मैंने ये डायग्राम लिया था क्यू और क्यू नॉट वाला, अगर आपको याद हो, और मैंने यहाँ पर ई की वैल्यू जब निकालनी थी इस पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पर, तो मैंने अभी क्या किया था, मैंने ये कहा था कि इनके बीच में जो फोर्स है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। ये फोर्स किस पे लगी, क्यू नॉट पे लगी, क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगी, इतनी फोर्स लगी। अगर क्यू नॉट की जगह यूनिट चार्ज होता तो कितनी फोर्स लगती, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर को किससे डिवाइड करता,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यही फोर्स लगती है ना, यूनिटरी मेथड लगाया, कुछ भी नहीं किया। क्यू नॉट पे अगर ये फोर्स लगी तो क्यू नॉट की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो यही फोर्स लगती है ना। तो ये तो वही डेफिनेशन हो गई ना, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एक ही बात है कि अगर ऐसे करना, ऐसे कर लो कि अगर क्यू नॉट चार्ज है तो फोर्स क्या लगी, एफ। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या लगी, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो बेसिकली मैं पूरी डेफिनेशन से एक ही चीज सिखा रहा हूं आपको, बस एक लाइन। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। बस, क्या ये बात समझ में आती है? चाहे वो इस मेथड से आए, चाहे वो सीधा प्लस वन करके आए, कैसे भी आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डन। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आपको सिर्फ तीन ही चीजें आनी चाहिए, बस जितना लेक्चर मैंने दिया सब भूल जाओ। पहली चीज ये आनी चाहिए, जितना मैंने दिया उसमें से तीन चीजें निकालेंगे, कि अगर ये क्यू चार्ज है और कोई मुझे कहे कि आर डिस्टेंस पे ई निकालो, तो मेथड नंबर वन, मैं वहां पर इमेजिनरी चार्ज क्या लूंगा, क्यू नॉट। तो मैं यहां पर फोर्स की जगह लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर को क्यू नॉट से डिवाइड करके ये आंसर। कोई ये नहीं याद करना चाहता, कोई बात नहीं, जैसे मेरी तरह मैंने नहीं याद किया हुआ ये, मैंने ऐसे किया हुआ है। अगर क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे मुझे ई निकालना है, तो मैं क्या इमेजिन करूंगा वहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस वन, मुझे सबसे बढ़िया लगता है, क्यू नॉट का चक्कर ही नहीं है। तो मैं अपने मन में फोर्स निकाल दूंगा कि प्लस वन पे कितनी फोर्स लगी, ये फोर्स लगी, यही क्या होगा मेरा ई। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है यहां तक? दो डेफिनेशन में से जो आपको पसंद है आप यूज करें, मेरे को ये पसंद है, मैं ये यूज करूंगा। क्लियर है यहां तक? तो ई का यूनिट्स भी याद होने चाहिए। ई के यूनिट्स क्या होंगे बताओ? न्यूटन पर कूलम। बस, ये तीन चीजें क्लियर है, ठीक है यहां तक? बस इतना ही आना चाहिए आपको। और अगर कुछ भी नहीं पता ना, मुझे नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, तो इतना तो पता लग रहा होगा भाई ई का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो तब भी काम चल जाएगा, डन। तो इससे आसान क्या होगा? और ठीक हो गया यहां तक? अब पॉइंट ये है कि इसको यूज कैसे करना है और इसको इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी हैंड रिटन शीट नंबर, आपकी बुकलेट के अंदर शीट नंबर क्या है ये? 5। शीट नंबर 5 ऊपर एनसीईआरटी लिखा होगा, तो यानी कि ये लेक्चर आज फिर से एनसीईआर। देखो आपने देखा एक चीज, पहला लेक्चर एनसीईआरटी बी चैप्टर का, देखो ना कितना आसान लग रहा है, अरे फॉर्मूला ही तो है। फिर दूसरा लेक्चर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, आपको क्या, हाँ ये भी ठीक लग रहा है, ओके ठीक है। फिर तीसरा लेक्चर थोड़ा सा एक लेवल ऑब्जेक्टिव, चौथा लेक्चर एक लेवल और, तो फिर वापस एनसीईआरटी। तो आपने फॉर्मेट देखा कि किस तरीके से, इस तरीके से ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, तो हर चैप्टर के अंदर इस तरीके से आपका लेवल जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर इट इज डिफाइंड एज दी, क्या स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के आसपास एक स्पेस है, इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ड्यू टू अ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाई दी अदर चार्ज। तो उस स्पेस में कोई और चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। तो डेफिनेशन बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर। ये अगर कोई पॉइंट चार्ज है, देखो मैंने बड़ी बॉडी बना दी वैसे, इट्स अ पॉइंट चार्ज, प्लीज। कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ई का फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ई का फॉर्मूला किसी बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, तो ये पॉइंट चार्ज ही लेके चले प्लीज, मैंने बड़ा बना दिया। तो अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू और मुझे यहां पर ई निकालना है, तो पहला मेथड क्या सिखाया था कि यहां पर फॉर्मूला लगेगा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, लगा दिया। तो इसमें ई का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी की किताब है वो लिखती है, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, लिमिट ये अगर आपको कैलकुलस याद हो, पहला लेक्चर मेरा लिमिट डेल्टा एक्स कैलकुलस जिन्होंने यहाँ किया हुआ है, वहां मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, अभी एक लाइन में आपको बता दूंगा जो नहीं सुना हुआ। लिमिट फोर्स और क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट मैथ्स में, मैथ्स के टीचर आपको सिखाएंगे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, मेरा सिर्फ ये बताने का मतलब होता है कि जब ये क्यू नॉट की लिमिट फोर्स
जीरो अप्रोच, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो. मैथ्स में इसका मतलब होता है इट इज अ पॉइंट चार्ज. क्यू नॉट की वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल, अप्रोचिंग टू जीरो. क्यू नॉट डैश जीरो का मतलब ऑलमोस्ट ना बराबर, ना नहीं जीरो नहीं बोलना, 0.0001. क्यों? ताकि ये अपना कोई फील्ड ना लगाए, क्योंकि हम किसका फील्ड स्टडी कर रहे हैं, क्यू का. अगर क्यू नॉट हम बड़ा ले लेंगे तो फिर ये अपना फील्ड भी लगाएगा, फिर इसका फील्ड में गड़बड़ हो जाएगी स्टडी करने में. तो इसलिए क्यू नॉट को क्या रखना पड़ता है, बहुत 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 छोटा. तो मैथ्स में क्या लिखा जाता है कि फोर्स अपॉन चार्ज वेयर लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू सी. ये टर्म, ये तरीका है लिखने का मैथ्स वर्क का. क्लियर है? बस पता ही होना चाहिए, इतना यूज नहीं होता. सो लिख भी दिया वैसे, क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई वेक्टर. यूनिट्स क्या है ई के? फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम. ई निकालने का तरीका, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स बाय क्यू नॉट, फोर्स क्यू नॉट कैंसल ई का फॉर्मूला. ई के फॉर्मूले में यहां पर कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ क्यू. ई इज ड्यू टू चार्ज क्यू एंड क्यू नॉट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन ई. क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मेथड नंबर टू, जहां पर आपको ई निकालना है वहां प्लस वन, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो सीधा फॉर्मूला लिख दिया क्यू बाय आर स्क्वायर. तो सा जो मैंने एक्सप्लेन किया सा लिख दिया, कोई डाउट इसमें? ठीक. क्योंकि ई फोर्स अपॉन चार्ज है तो जो डायरेक्शन एफ की होगी वही डायरेक्शन ई की भी होगी. तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ई भी अट्रैक्टिव है, फोर्स रिपल्सिव है तो ई भी रिपल्सिव है, तो सेम डायरेक्शन होगी. नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मुझे तो एफर्ट करना ही नहीं ना इस चैप्टर में, क्या एफर्ट है मेरा? कोई एफर्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना एफर्ट तो करके आया हूं ना फोर्थ चैप्टर में. तो इसके अंदर आपको भी कोई ज्यादा एफर्ट करना नहीं है. देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको आता है. तो क्वेश्चन है, 5 कूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज इस पे काम करेंगे, पॉइंट चार्जेस पे ही काम होना है इस चैप्टर में. आप कहेंगे अगर शेल रिंग डिस्क आ गई तो कोई टेंशन नहीं, फिर एक महीना करना क्या है, एक महीना आप सिर्फ ई तो स्टडी करना है. सी चैप्टर आपको, बी चैप्टर आपको पॉइंट चार्ज सिखाएगा, सी चैप्टर आपको नॉन पॉइंट चार्जेस पे ई कैसे निकलता है वो सिखाएगा. तो अभी हम पॉइंट चार्ज पे काम कर रहे हैं ना, फिर शेल आएगा, स्फेयर आएगा, उसके लिए सी चैप्टर काम करेगा. तो अभी रिलैक्स, पॉइंट चार्ज पे काम करते हैं. तो आसान है, 5 कूलम का चार्ज है, 1 मीटर दूर ई निकालना है, ये क्वेश्चन है. जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन रखेंगे. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जहां ई निकालना है वहां पर चार्ज क्या रखा जाएगा? प्लस वन. कोई डाउट इसमें? रख दिया. नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन भी साथ साथ डिस्कस कर लो. एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपने से दूर क्या करेगा? उधर लगाएगा. तो फोर्स की डायरेक्शन कहां है? रिपल्सिव. तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन ई की. तो अगर फोर्स रिपल्सिव है तो ई भी रिपल्सिव है. कोई डाउट इसमें? तो अच्छा है ना, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी आ गई तो ई की डायरेक्शन भी आ गई. क्लियर है? तो ई रिपल्सिव राइट की तरफ, ई की डायरेक्शन होगी. वैल्यू क्या होगी? 1/4 πε₀⁵ 1² डन. इससे आसान चैप्टर क्या होगा? ए चैप्टर से भी आसान निकला ये. तो ए चैप्टर में तो फिर भी मुझे धीरे कराना पड़ रहा था. ये देखो, देखो रिपेल कर रहा है, देखो ये फोर्स की. इसमें तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, और फॉर्मूला आपने याद कर लिया. चलो फिर करते हैं. जैसे सपोज माइनस ऑफ, जैसे सपोज -3 कूलम चार्ज है, -3 कूलम की वजह से यहां पर ई निकालना है. रूल नंबर वन, जहां ई निकालना है वहां कौन सा चार्ज रखा जाएगा? इमेजिनरी मन में प्लस वन रख दिया. माइनस चार्ज इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो फोर्स की डायरेक्शन कहां है? इस तरफ. ई की डायरेक्शन भी कहां है? इसी तरफ. डन. ई की डायरेक्शन समझ में आ गई? ओके डन. ई की वैल्यू, ई की वैल्यू में 1/4 πε₀⁥3/1² ये समझ में आया आप? क्यों? क्यों? फोर्स में क्या निकालते थे? मैग्नीट्यूड. ई में भी क्या निकालेंगे? डायरेक्शन. माइनस लेंगे ही नहीं. तो अगर
हम फॉर्मूला लेंगे किसका, अगर हम फॉर्मूला लेंगे इसमें फोर्स का, सिंपल अगर पूछूं कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स के अंदर साइन लेते ही नहीं, तो जैसे फोर्स के अंदर चार्ज का साइन नहीं लेते, ऐसी ई के अंदर भी साइन नहीं लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो माइनस साइन क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से ई अट्रैक्टिव है, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, क्यू बाय आर स्क्वायर निकालना आ रहा है। ई पूछो वेक्टर, वेक्टर तब डालना होता है जब मैं वेक्टर फॉर्म अभी करवाऊंगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूं। आप वेक्टर एरो बोल रहे हो ना, एरो इट्स अ वेक्टर, लेकिन जब सर पे एरो लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है वैल्यू भी बताओ बट एक्शन भी बताओ, तो उसमें आई कैप जे कैप लिखना पड़ेगा फिर मेरे को। तो मैं सिर्फ वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ अभी, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन में सिर्फ ये वेक्टर से शो कर रहा हूँ इसकी डायरेक्शन है बस। ठीक, 8 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, लो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की वजह से यहां पे ई निकालो, कहां पर, 1 मीटर, इससे 1 मीटर, इससे 3 मीटर, तो ई निकाले। ये देखो जहां पे ई निकालना है, अपने मन में क्या इमेजिन करना है, वहां पर चार्ज कितना पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव, कितना, +1, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर +1 रख दिया, अरे तो फोर्स की प्रॉब्लम बन गई, ई इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ई निकालना है, तो कौन लगाएगा ई, अच्छा कौन लगाएगा इसके ऊपर फोर्स, आस पड़ोस के चार्जेस, कौन कौन चार्जेस हैं, 8 कूलम एंड 4 कूलम, ये दोनों फोर्स लगाएंगे, ये दोनों ही यहां पर ई भी लगाएंगे। तो कैसे, 8 कूलम इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ओ रिपेल, प्लस और प्लस रिपेल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 8 कूलम ने +1 को क्या किया, रिपेल। अब हम फोर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां प्लस यूनिट पॉजिटिव है ना, तो ये यहां पे क्या लगाएगा, ई लगाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4π∈08/1² क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। अच्छा अब ये बताओ 4 कूलम 1 कूलम को क्या करेगा, किधर करेगा, इधर रिपेल करेगा ना, इधर, तो ई कितनी लग, अब फोर्स नहीं, ई की प्रॉब्लम है, तो ई लगाएगा, तो ई क्या लगाएगा, ई लगाएगा 1/4π∈04/3² आपको ये फीलिंग तो नहीं आ रही है, तो पिछला चैप्टर ही चल पड़ा फिर से। हाँ बिल्कुल सही आ रही है, पिछला चैप्टर चल पड़ा, पिछले चैप्टर में उल्टा यहां 10 कूलम 5 कूलम मैं कुछ भी ले लेता था, इसमें तो पक्का ही 1 कूलम है, जहां पर ई निकालना है वहां पर 1 कूलम है। तो इसका मतलब कि 8 कूलम ने यहां पर ई लगाया, 4 कूलम ने यहां पर ई लगाया, दो वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट ई क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। समझ में आ रहा है यहां तक, सेम ही तो है फोर्स की तरह, तो ये तो उल्टा अच्छा है, अगले टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, ऐसे तो क्वेश्चन डालने हैं मैंने नेक्स्ट टेस्ट में, ये लो तो प्रिपरेशन लगा के दिखाओ, और बढ़िया है। ये देखो तो 8 कूलम ने +1 को रिपेल किया, 4 कूलम ने +1 को रिपेल किया, कौन बड़ा इसमें से, 8 बड़ा और ये वाली टर्म छोटी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देने है, माइनस कर दिया, कॉमन आ गया, 9 × 10^9 पुट करेंगे यहां पर, आंसर न्यूटन पर कूलम। एंड नेट, क्योंकि जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर E1 बड़ा है और इसमें E2 छोटा है, तो नेट ई जो आएगा वो कहां आएगा, टूवर्ड्स राइट आएगा, राइट का मतलब अलोंग Q2 की तरफ आएगा, तो एंड में लिख देना नेट ई कहां पर आएगा, अलोंग Q2। क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है सामया रोहन? रोहन क्लियर है? यस सर। सामिया ओके, फिर देखते हैं, -3 कूलम और 5 कूलम, क्वेश्चन है ई निकालो कहां पे, यहां पे, रूल नंबर 1, जहां ई निकालना है
वहां पर चार्ज क्या लेना है, इमेजिनरी प्लस वन। नेट ई निकालना है, कौन लगाएगा यहां पर ई, एक लगाएगा माइनस थ्री कूलम और एक चार्ज कौन लगाएगा, फाइव कूलम। फाइव कूलम प्लस वन को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, तो जहां पे ई निकालने सारे वेक्टर यहीं पे बनेंगे। तो पांच कूलम ने प्लस वन को रिपेल किया, कितनी फोर्स से, कितनी ई की वैल्यू से, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव डिवाइडेड बाय सेवन स्क्वायर, डन। माइनस चार्ज ने प्लस वन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, कितनी ई की वैल्यू से, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, थ्री डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? साइन नहीं लेना, इसकी वैल्यू में साइन नहीं लेना, ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे फोर्स की प्रॉब्लम करते थे। तो क्लियर है यहां तक? दोनों ई सेम डायरेक्शन में है, तो नेट ई क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करते हैं, ऐड करके यूनिट्स न्यूटन पर कूलम लगाते हैं और नेट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आती है, या तो लेफ्ट लिख दो या अलोंग क्यू वन लिख दो, एक ही बात है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि नेट ई कैसे निकलेगा इसमें? ठीक, जैसे जैसे नहीं, ये आप ही का क्वेश्चन है, करो कॉपी के अंदर सॉल्व करो। ई निकालना है, नेट ई इस पॉइंट पॉइंट पे निकालना है। देखो इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला पॉइंट, जहां पे ई निकालना है, आपने यहां लिया प्लस वन, प्लस वन लिया, इस माइनस ने इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। तो ई की वैल्यू कितनी लगाएगा ये, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ओनली फाइव का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? फिर ये माइनस सेवन इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ई क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर। क्लियर है? तो दोनों वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट ई की वैल्यू क्या होगी यहां पे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। तो ई टू बड़ा है, ई वन छोटा है, तो आंसर आएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सेवन डिवाइडेड बाई फाइव स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लेना, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि नेट आंसर राइट की तरफ है तो लिख देना टूवर्ड्स राइट। जो नेट ई की वैल्यू है वो कहां पर है, टूवर्ड्स राइट। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक है, तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है राइट। नेक्स्ट है, आप इस क्वेश्चन में ई निकाल के दिखाएं प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर नेट ई निकालना है आपको।
करें जरा सॉल्व। फोर्स के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम की थी, ट्राई करें। कंपोनेंट्स बनेंगे इसमें, हाँ ई बनाएंगे टेढ़े, तो कंपोनेंट्स बनेंगे ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, फोर्स के अंदर भी किया था ऐसा, ट्राई करो कोई बात नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप करो, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन रखो, फिर देखो कि कौन किसे रिपेल करेगा और कौन अट्रैक्ट करेगा, उसके हिसाब से करो, ट्राई करो। तो आपने इसमें क्या किया, अपने रूल से चलो प्लीज, कुछ 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 भी मत करो, अपना रूल बनाओ। रूल क्या है, रूल ये है कि आप इसमें ये माने कि जहां पर ई निकालना है वहां पर क्या लिया जाएगा, प्लस वन। ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल, तो ई वेक्टर या एक ई इस तरफ आ गया, राइट, स्ट्रेट लाइन है वैसे ये, तो ई की वैल्यू क्या होगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 5 डिवाइडेड बाय, ये 4 है ये 3 है तो ये 5 मीटर है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है पहला, तो 5 ने प्लस 1 को क्या किया, रिपेल किया, राइट। इस 5 ने भी प्लस 1 को क्या किया, रिपेल किया, कुछ ऐसे। तो सेम वैल्यू सेम, क्योंकि ये भी 5 है वो भी 5 है, तो ये ई तो ये भी ई ही बनेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर पांच पांच तीन तीन चार, ओके देखो इसमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो यहां पर एक कितनी वैल्यू है, 5 कूलम, ये कितना है, 5 कूलम, ये कितना है, 4 मीटर, ये 4 है, 3 है, 3 है क्या, अच्छा 3 है, ओके कोई बात नहीं, फिर ले लेते हैं। तो इसमें ये जो है ये 3 मीटर, 3 मीटर और 5 कूलम, ठीक है, और ये कितने है, 4 मीटर, ठीक है, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन। तो मैं ये कह रहा था कि इस 5 कूलम ने इस प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया, ठीक हो गया, इस 5 कूलम ने प्लस वन को क्या किया, रिपेल किया, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है ये ई लगाएगा, ये भी ई लगाएगा, और E की वैल्यू दोनों की एग्जैक्टली सेम होगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, राइट, क्लियर है। अब एक काम करते हैं इसमें, इसमें जैसे ये y एक्सिस है, ठीक है, एंड इसमें लेट अस सपोज ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक, तो इसके अंदर हम इमेजिन करते हैं कि सपोज करो ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा, ये भी कितना है, थीटा, क्लियर है। तो अगर ये थीटा है तो ऐसा करें, इसमें ये जो वैल्यू है चाहे तो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कितना है, थीटा बाय अल्टरनेट एंगल, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, ये थीटा तो ये थीटा भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, सही चलेगा, ऐसे ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी क्लियर है, कैसे मर्जी कर लो, मैथ्स है। इस ई के तो कंपोनेंट बनेंगे, पहला कंपोनेंट ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ई
साइन थीटा। सिमिलरली इस ई के भी दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, ई कॉस थीटा, इस तरफ ई साइन थीटा। ये कॉम्पोनेंट इस कॉम्पोनेंट को क्या कर गया, कैंसल। तो नेट जो ई की वैल्यू है वो क्या आएगी, टू ई साइन थीटा। तो टू इन टू ई की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught 5/5² इन टू साइन थीटा, किसी मर्जी ट्राइंगल से ले लो क्या आएगा, 4/5। तो 4/5 न्यूटन पर कूलम, एंड डायरेक्शन कहां पर है, अपवर्ड्स। आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है, ठीक। फिर से इसने से रिपेल किया, इसने से रिपेल किया, ये थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग। E का पहला कॉम्पोनेंट E cos theta, E sin theta, इसका E cos theta, E sin theta, cos cos cancel, 2E sin theta। E तो पता ही था, sin theta triangle से put कर लिया आंसर। तो अब पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, तो ये तो बिल्कुल फोर्स की कॉपी है, फोर्स में तो उल्टा दो चार्ज थे, इसमें तो चार्ज भी एक ही है, दूसरा तो है ही प्लस वन, फोर्स से भी इजी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। ओके, ई निकालो, इस क्वेश्चन में ई निकालो, जहां ई निकालना है प्लस वन बनाओ, प्लस वन रखो, वेक्टर ड्रॉ करो, नेट ई निकालो। देखो इसके अंदर 5 और -5, वहां ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन, माइनस ने प्लस को, सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करने हैं, प्लस वन पे, माइनस ने प्लस को क्या किया, अट्रैक्ट। तो ये लो, ये अट्रैक्ट किया, कितनी वैल्यू के साथ अट्रैक्ट किया, 1/e की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught 5/5। अब ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ, 4 मीटर। देखो ना, ये 7 है और ये 3 है, तो बचा कितना, 4 मीटर। क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। और उसी तरीके से प्लस, इस प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव पे ई लगाएगा, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught 5/5, ये टोटल 6 मीटर और 4 मीटर कितना हुआ, ऐसे कर लो 7 मीटर और 3 मीटर कितना हुआ, 10, तो डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो एक वेक्टर लेफ्ट है, एक वेक्टर राइट है, क्या स्टेप क्लियर है। तो नेट वैल्यू क्या होगी, बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस, तो ये जो मुझे लग रहा है ये छोटा लग रहा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो नेट ई की वैल्यू जो होगी
विल बी इक्वल टू ई माइनस ई डैश, कर लोगे माइनस आंसर। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है। आप ये तो नहीं पूछेंगे सर इस प्लस ने माइनस पांच को अट्रैक्ट किया, हाँ तो किया, पूछ कौन रहा है लेकिन किसने किसको क्या किया। हमने तो ई जहां निकालना है सारे वेक्टर वहीं ड्रॉ करने हैं, तो हमने यहाँ प्लस वन रखा, इसके आस पड़ोस के चार्जेस ने जो भी इस पे ई लगाया हमने लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। इन्होंने आपस में क्या किया, पांच माइनस पांच, वो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए ई समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगा, फोर्स की तरह ही निकलेगा वैसे तो, ठीक, ओके। अब ये तो था एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक था। अब जो दूसरा टॉपिक है इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्जेस का ई तो आपने कर ही लिया, रादर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप होमवर्क भी ट्राई करोगे इसका, ई का। उस होमवर्क के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, एक लेक्चर लगेगा अभी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये तो जस्ट मेरे अपने एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थोड़ा ही, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की शीट तो मैंने आपको दी है, वो नेक्स्ट टाइम तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक और भी टॉपिक है, फोर्स की एक और शीट पेंडिंग है हमारी। मैंने आज फोर्स से इसलिए शुरू नहीं किया, फिर वही एक ही टॉपिक चले जा रहे हैं तो थोड़ा बोर सा लग रहा था कि यार फोर्स फोर्स करी जा रहे हैं, तो मैंने लेक्चर को उल्टा कर दिया। पहले फोर्स खत्म करना था, फिर फील्ड स्टार्ट होना था, अब मैंने फील्ड स्टार्ट कर दिया, जाते हुए मैं वो चार क्वेश्चन हैं फोर्स के, जाते वो बता दूंगा कैसे करने हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गारंटेड एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से आना ही है, जब से एनसीईआरटी पेपर कंडक्ट करवा रहा है इसमें से जरूर क्वेश्चन दे रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में तो खैर क्या ही आएगा, न्यूमेरिकल आता है, ये थ्योरी की प्रॉब्लम है, तो थ्योरी की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइंस हैं, लाइंस हैं ये लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस का मतलब लाइंस हैं, ये लाइनें हैं। तो ये लाइंस क्या हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मान लो ये दीवार पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये दीवार नेगेटिवली चार्ज्ड है, और इस पूरे रूम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे, आप किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इसके बीच में रख दें, वो चार्ज यहां कभी टिकेगा ही नहीं, या तो इस दीवार पे चिपक जाएगा या उधर चला जाएगा, डिपेंडिंग उसको कहां जाना है, किस प्लेट के पास जाना है, ऐसे होगा। तो मानना पड़ेगा इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको कि दिख तो कुछ रहा नहीं, खाली हवा ही तो दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। तो मैं फिर आज के बाद क्या बोलूंगा, मैं आज के बाद यही बोलूंगा कि भाई अगर ये दीवार है आपके सामने, ये वॉल है या दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर मैं बोलूंगा देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको समझ दिख नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइंस ड्रॉ कर दूंगा इनके बीच में जो क्या रिप्रेजेंट करती है इनमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां जहां ये लाइंस बनेंगी वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप हो गया, अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया, मैंने कहा कैसे, कहता कुछ भी नहीं, लाइनें ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या शेड ही तो करना है लाइंस के साथ, नहीं, इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस बंदे ने बनाई उसने इसको, चाहे वो इमेजिनरी है, ये असली में थोड़ा ना होती है, अगर रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है दिख थोड़ा ना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कॉपी पे बनाने के लिए है, कि आपको दिखाने के लिए कि आपको ये पता लगे कल को ये प्लेट्स हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको क्या है, खाली तो पेज है, इसमें क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो आपको समझाने के लिए कि देखो यहाँ पर अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसा नहीं है, जिस बंदे ने ये रूल कहा कि हम लाइन से ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लाइंस इमेजिनरी है, पहले तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं होती, दीज आर इमेजिनरी लाइंस अगेन। ये लाइंस ड्रॉ करने के उस बंदे ने कुछ रूल्स बनाए, चाहे उसने इमेजिनेशन से बनाई लाइंस, पर इमेजिनेशन के भी रूल्स हैं भाई, तुमने अपने सपने नहीं लेने कि मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, ना वो कहते मेरे हिसाब से चलना है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ रूल्स हैं ड्रॉ करने के, पूरी फिजिक्स में वही रूल्स फॉलो करने हैं जब आपने ड्रॉ करने हैं, अपने मन मर्जी से ड्रॉ नहीं करने। तो क्या रूल्स हैं वो ये टॉपिक आपको बताते हैं। तो पहली चीज इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफाइन अगर किया जाए इसे, इसको अगर डिफाइन किया जाए कि क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो डिफाइन ऐसे किया जाता है
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी डिफाइंड एज ही पाथ, लाइंस रास्ता शो करती हैं, रास्ता, तो रास्ते को क्या बोलते हैं, पाथ, तो दीज लाइंस आर पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड, ये बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती हैं लाइंस और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, ठीक है, कैसी भी हो सकती हैं, सच दैट टेंजेंट टू इट, तो अगर मैं इन लाइंस के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एट एनी पॉइंट, इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अब कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि डेफिनेशन से किसी को कुछ समझ में आया ही नहीं आज तक, ठीक, तो मैं इस डेफिनेशन को तो मैं फॉर्मेलिटी से पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं जरा एक बार अपने एग्जांपल से समझाता हूँ फिर डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आ भी गया होगा, हाँ टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ई की ने याद कर लिया आपने, मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो कहने की कोशिश कर क्या रहा है। ये देखो, सपोज करो आपके पास प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स ले ली और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करनी है तो ये मैंने ड्रॉ की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट, ये पहली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये लो, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये इमेजिनरी है। अब पॉइंट क्या है इसमें, आप कहोगे ये डायग्राम तो पहले ही बना हुआ था, इसको नया बना के क्या हुआ, पता तो है ही है, पॉइंट ये है कि इस फील्ड में ये जो स्पेस है इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था क्या, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो अगर E का फॉर्मूला F डिवाइडेड बाय Q नॉट था तो F का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, Q नॉट इंटू E, Q नॉट इंटू E, ठीक है, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब ये फॉर्मूला Q नॉट इंटू E लगाना है तो इसका मतलब क्या है, आज की देखो अभी तक हम जब फोर्स निकालते थे किसी चार्ज पे तो कूलम लॉ को याद करते थे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब वो टाइम गया, खत्म हो गया चैप्टर, अब आपको फोर्स पूछेगा, वो कहेगा देखो यहां पर मैंने दो दीवारें लगा दी, कंडक्टिंग वॉल्स हैं, प्लस माइनस चार्ज दे दिया, यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर कितना फील्ड प्रेजेंट है, तो कहेगा ठीक है इसमें जो फील्ड प्रेजेंट है वो 10 N/C प्रेजेंट है, आप बोलोगे ये तो फील्ड की वैल्यू तो चेंज होती है ना हर पॉइंट पे, तो वो कहेगा नहीं यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म समझते हो, जहां मर्जी ई कंसिडर कर लो वैल्यू क्या रहेगी 10। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस स्पेस में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पर वैल्यू विल रिमेन सेम। तो आज के बाद ये वर्ड बड़ा कॉमन है न्यूमेरिकल्स में, गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दे दिया उसने 10, किसने लगाया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दो दीवारों ने लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव ने कुछ लगाया होगा, वो कैसे लगाया वो हमने निकालना नहीं है, मतलब वो हमें पॉइंट चार्ज का तो निकालना आता है, बड़ी बड़ी प्लेट्स का तो हमें आता भी नहीं निकालना, तो वो आपको क्वेश्चन में खुद देगा कि इन दीवारों की वजह से इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और हर जगह पर 10 है। फिर वो क्वेश्चन कहेगा कि मान लो आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई चार्ज है जो कि आपने उस चार्ज को यहां पे रखा, यहां पे रखा, कितना आपने चार्ज लिया 5 कूलम का, तो वो ये पूछेगा 5 कूलम पे फोर्स लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो बोलो कितनी फोर्स लगेगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहां पर ई की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी गिवन है, 10 N/C गिवन है, गिवन है। इस पॉइंट पर ई का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स बाय क्यू नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 5, ई की वैल्यू कितनी है
तो आंसर क्या आ गया 50 न्यूटन। देखो कूलम लॉ चाहिए ही नहीं, अगर मेरे को ई पता है और ई में पड़ा हुआ चार्ज पता है, उस चार्ज पे क्या फोर्स लगी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्यू इंटू ई करके फोर्स आ जाएगी। तो आज के बाद इस चैप्टर में एक नया तरीका है फोर्स निकालने का, कूलम लॉ तो आसानी है, कूलम लॉ फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, क्यू वन क्यू टू इधर लगी उधर लगी, इसमें क्या लगा, क्यू नॉट है ई है, मल्टीप्लाई करो फोर्स आ गई। तो पहला स्टेप क्लियर है, फोर्स निकालने का एक और तरीका हमारे पास पता लग गया, बहुत यूज होता है एफ इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला, बड़ा फेमस फॉर्मूला है एफ इक्वल टू क्यू ई। पहला फॉर्मूला क्लियर है, दूसरा दूसरा अब अगर मैं बात करूं इस चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, छोड़ देते हैं इसे, मूव करने दो, कहां जाएगा, राइट की लेफ्ट, राइट जाएगा, क्यों, चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है मानते हो ये बात, नेगेटिव की तरफ जाएगा, या ऐसे बोल लो प्लस ने प्लस को रिपेल किया माइनस ने अट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली इस तरफ जाएगा, सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं, अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रख दूं, तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की इस तरफ, क्या ही एग्री करते हो, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसी आपने बोला ना पॉजिटिव चार्ज तो यहीं लगेगा, ये देखो सही है। अच्छा अगर मैं यहां रख दूं तो इस तरफ, यहां रख दूं इस तरफ, यहां रख दूं इस तरफ, सही है, कोई डाउट इसमें, ओके सिर्फ इस डायग्राम को देखना, ये क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी, ये रेड कलर की लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी जो मैंने ड्रॉ की थी, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, और पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रास्ता है, इस रास्ते पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट मुझे किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की, जो किस पे लगेगी, अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया उस पे फोर्स लगेगी। अच्छा जो डायरेक्शन एफ एफ का होता है वही डायरेक्शन ई का भी तो होता है। अब दोबारा चले डेफिनेशन पे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पाथ है, रास्ता है, सच दैट अगर कोई पॉइंट लिया जाए इसके ऊपर और टेंजेंट ड्रॉ की जाए इसके ऊपर, तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन समझ में आई कैसे बनी, कि आज के बाद अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिवन है और आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा ही देगा उस पॉइंट के ऊपर, कोई डाउट इसमें, डेफिनेशन समझ में आ रही है कैसे बन रही है, मैंने न्यूमेरिकल भी समझाया कि कैसे डायरेक्शन बनेगी इसमें। तो अब अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, इट इज डिफाइंड एज ई पाथ, मैंने अपना एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का लिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट ली, पर ये जरूरी नहीं स्ट्रेट है, ये कर्व भी हो सकती है, जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां स्ट्रेट होती है, जहां नॉन यूनिफॉर्म है चेंज हो रही है डायरेक्शन और वैल्यूज वहां पर ये कर्व हो जाती है। तो सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट लगा के टेंजेंट ड्रॉ करें, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर वो क्या देगा, ई की डायरेक्शन देगा। तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, आपने एक चार्ज लिया, ये रहा क्यू चार्ज, क्यू चार्ज पे आप इस क्यू चार्ज रखा यहां पे, टेंजेंट ड्रॉ किया इसके ऊपर, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी है, कर्व है, और आप यहां टेंजेंट लेते हैं इसके ऊपर, तो टेंजेंट तो पर टेंजेंट है ना, कर्व के ऊपर ऐसे बनेगा, तो दिस विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अगर टेंजेंट यहां लेंगे तो डायरेक्शन विल गिव इस पॉइंट पर, टेंजेंट यहां लेंगे तो इस पॉइंट पर। तो जहां पर भी कोई भी लाइन सीधी हो टेढ़ी हो, वो पेपर में गिवन होती है सीधी टेढ़ी, आपने ड्रॉ नहीं करनी होती, आप ये ना सोचेंगे मेरे को ड्रॉ करना, आपको नहीं ड्रॉ करना, आपको लाइन हमेशा गिवन होती है। तो जहां पर भी लाइन गिवन होगी उसके ऊपर कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ई वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाएगी, कोई डाउट इसमें। तो पहला रूल क्लियर है ई का, ठीक। दूसरा, इस डायग्राम में ई कॉन्स्टेंट है,
और मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखाया फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू निकालें, इस पे कितनी फोर्स लगी, तो आंसर क्या होगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में ई भी होगा, मैंने न्यूमेरिकली करके दिखाया आपको, ठीक है यहां तक। अब जिसने ई बनाया उसने कुछ रूल्स बनाए ई के, जिसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं क्या, इसको समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा पेपर। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, बनाने वाला ये कहता है अपने मन से नहीं है कि टेबल से निकाल के चेयर में एंटर करवा दी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे थोड़ी ना, मैं ये लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो रूल है, कहां से शुरू होगी, बनाने वाला पहला रूल कहता है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही शुरू होगी, और कहां एंड होगी, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। तो पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, पहला रूल क्लियर है, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो नहीं जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू द नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है देख रहे हो, नेगेटिव में एंड हो रही है देख रहे हो। आप कहोगे सर अगर मान लो मेरे पास चार्ज है ही पॉजिटिव, मेरे पास नेगेटिव चार्ज तो मान लो है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है बस, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करें, करो स्टार्ट, तो लाइंस कहां से स्टार्ट हो रही हैं, पॉजिटिव से। तो वो स्टूडेंट कहता है यार एंड कहां करूं, क्योंकि आपने बोला था कि एंड कहां पर होगी, एट नेगेटिव चार्ज, पर मेरे को तो इस बोर्ड पे नेगेटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, मैं एंड कहां करूं, तो तू ये मान ले भी नेगेटिव चार्ज दुनिया में कहीं तो होगा, हाँ कहता कहीं तो होगा, कहां होगा, वो तो कहता इस स्पेस से तो बहुत दूर है, बहुत दूर को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इन्फिनिटी, तो आपने लिख देना भी इन्फिनिटी होता होगा, जहां होता होगा बस जाती रहेंगी इन्फाइनाइट तक लाइंस, अब मेरे पास नहीं है तो मैं भी क्या करूं, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर सिंगल चार्ज गिवन होगा तो लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, ऐसी अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस एंटर करवा दो बस इसमें से, आपको कि सर आ कहां से रही है, पॉजिटिव है, अरे दुनिया में कहीं तो पॉजिटिव होगा, वहां से चल के यहां पर आ रही है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस गिवन होंगे फिर कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव से शुरू करो नेगेटिव पे एंड कर दो, फिर तो समझ में आ रहा है ना कि पॉजिटिव से शुरू होके कहां पर आ रही है वो, नेगेटिव पे एंड करेंगे, क्लियर है यहां तक। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली। नेक्स्ट देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे आ रही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में स्टार्ट हो रही है एंड इंफिनिटी, स्टार्ट हो रही है एंड इंफिनिटी, क्लियर है यहां तक। जैसे ये रहा पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट पॉजिटिव से स्टार्ट, राइट। आप मुझे एक चीज बताओ इसमें, अगर सपोज करो आपके पास ये पॉइंट है, चलो मान लेते हैं चार दोनों में बराबर है, बराबर है, पॉजिटिव है दोनों, और यहां फील्ड ही फील्ड है, मैं यहां बना देता हूं कोई बात नहीं, देखो देखो मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक, ये तो मानते हो ना कि लाइंस ही लाइंस हैं जो यहां से बाहर निकलेंगी, जितनी मर्जी लाइंस हो इनफाइनाइट तक, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि सपोज इनके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब दोनों में एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ई निकालो, ई निकालो, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन, कौन लगाएगा ई, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो ये प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है ये इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस चार्ज भी इसे क्या करेगा, रिपेल। जितनी यहां पर ये क्यू चार्ज प्लस वन पे ई क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये क्यू चार्ज भी क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं, तो नेट ई क्या आ गया, जीरो। अरे कमाल हो गया, दो दो चार्जेस पड़े हैं आमने सामने, दो दो चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं हर जगह, तो उन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आ रहा है,
जीरो, क्योंकि दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल। समझ में आ रहा है आपका पॉइंट? तो जबकि वही बात होगी कि फील्ड तो पूरे रूम में ही है, पर फिर भी इस पूरे रूम में इतना फील्ड होने के बावजूद भी एक पॉइंट ऐसा ढूंढ दिया जहां पर नेट फील्ड क्या आ गया, जीरो। उस पॉइंट का नाम होगा न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट ई क्या हो जाता है, जीरो। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये माने कि आज के बाद अगर ये क्यू चार्ज है और ये फील्ड है, तो अगर मैं यहां ई पूछूं जो कि जीरो आता है, क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? ना, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। यहां तो नेट ई है ही जीरो, यहां तो फील्ड है ही नहीं। न्यूट्रल पॉइंट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फील्ड तो प्रेजेंट होगा पर फिर भी ई जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दो वेक्टर आपस में क्या कर गए, कैंसिल। उस पॉइंट को जो फील्ड में एग्जिस्ट करता है पर फिर भी वहां पर फील्ड क्या आता है, जीरो, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अरे तो क्लियर है, नींद से आ रही है थोड़ी सी यार, ठीक है? तो न्यूट्रल पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म अगर यूज हो तो पता होना चाहिए कि कैसे यूज करनी है। तो ये हो गया टेंजेंट टू फील्ड लाइन। किसी भी टेंजेंट लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट दैट पॉइंट। देखो ना, टेंजेंट ई वेक्टर, टेंजेंट ई वेक्टर। तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ई वेक्टर यहां आएगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया ई वेक्टर यहां आएगा। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट है ईच अदर, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में। ऐसा क्यों? वो कहता है कि इस केस में दो लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि वो चलो इंटरसेक्ट करती हैं, चलो ये मानते हैं कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये देखो ये एक लाइन यहां जा रही है और दूसरी लाइन यहां जा रही है, कर गई इंटरसेक्ट मान लो। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर गई ना, तो एक पॉइंट बताओ कि ये कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट इसका भी है, ये पॉइंट इसका भी है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ, और अगर मैं इस लाइन को लेके टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पर डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये कैसे हो सकता है, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो या तो डायरेक्शन इस तरफ होगी या डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एक पॉइंट पे खड़े होकर ये नहीं हो सकता ना कि उधर उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए ये कभी भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं तो कॉमन पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि गलत है। क्लियर है यहां तक? तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब ये स्टार्ट होती है ना, जैसे ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, जब ये स्टार्ट होती है, जैसे मान लो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, तो उस केस में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 90 डिग्री पे ही स्टार्ट होंगी। ये 90 डिग्री पे स्टार्ट होंगी, ऐसे 90 पे स्टार्ट होंगी। और एंड जब ये होती है तो एंड भी कहां पर होती है, 90 पे ही एंड होती है, 90 पे होती है। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव बॉडी है, ये नेगेटिव बॉडी है, ये लो कुछ भी ये लो, किसी भी एंगल पे एंटर कर रही है ना, ये नहीं होएगा। हवा में जाएगी, एंटर 90 पे करेगी, स्टार्ट भी 90 पे होगी। क्लियर है यहां तक? तो इसका नेक्स्ट रूल है ये, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट आएगी जिसमें ना कुछ ऐसे उल्टे से डायग्राम होंगे जो 90 पे स्टार्ट और एंड नहीं होगी, तो पूछेगा क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, तो रॉन्ग है, 90 डिग्री हमेशा राइट है। क्लियर है यहां तक? ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। तो क्लोज लूप का मतलब सर्कल बनाना। ये सर्कल कैसे बनाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर रखोगे तो वैसे ही कैंसिलेशन हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर रख दो, कैंसिल हो गया, तो लाइन कैसे बनेगी? तो इसीलिए ये पॉजिटिव अलग होगा, नेगेटिव अलग होगा। कंप्लीट सर्कुलर लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। सर्कुलर लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनको कहां से स्टार्ट होना है, पॉजिटिव से। कहां एंड होना है, नेगेटिव पे।
सर्कल कब बनेगा? जब पॉजिटिव से स्टार्ट होगी उसी चार्ज पे एंड होगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इसे क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाते। इन चार्ज फ्री रीजन, मान लो ये चार्ज फ्री रीजन है रूम, यहां कोई चार्जेस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई सपोज करो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जैसे ये पॉजिटिव है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे 90 डिग्री पे एंड होंगी। ऐसा नहीं होगा ये ब्रेक लगा गई फिर ये स्टार्ट हो गई, ना ये ब्रेक नहीं लगेगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पर एंड होगी, कॉन्टिन्यूस बनेगी, ब्रेक नहीं लगेगी इसमें। तो इसलिए ये क्या मानी जाती है? कॉन्टिन्यूस कर्व्स। ये भी क्लियर है यहां तक कि कॉन्टिन्यूस कर्व्स का मतलब क्या है इसमें? एंड नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज है, चार्ज बड़ा है, उसमें से ज्यादा लाइंस निकलेंगी। अगर चार्ज वीक है, छोटा सा चार्ज है, तो उसमें कम लाइंस निकलेंगी या एंटर करेंगी। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि आपको मैंने कहा कि सपोज चार्ज है कितना, 10 कूलम का चार्ज है एक बॉडी पे, 2 कूलम का चार्ज है, तो 10 कूलम में से आप नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकालेंगे, 2 कूलम से कम निकालेंगे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती है ना, इसका मतलब फील्ड उतना ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग फील्ड के लिए स्ट्रांग चार्ज चाहिए। चार्ज वीक है तो लाइनें भी कम निकलेंगी, चार्ज स्ट्रांग है तो लाइंस भी ज्यादा निकलेंगी। तो मतलब ये शो करती है कि कौन सा चार्ज स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, या कहां फील्ड स्ट्रांग है, कहां फील्ड वीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है? नहीं आ गया भाई? ओ भाई हेलो, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, थ्योरी ज्यादा होगी, ले फिर न्यूमेरिकल देते हैं, 2 मिनट रुक। अब प्रॉपर्टी तो खत्म करनी है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी नींद आ रही है। तो ज्यादा नींद आ रही है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाने चाहिए। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? एंड अगर लाइंस ऐसी हैं, अगर स्पेसिंग बराबर है लाइंस में, स्पेसिंग बराबर है, फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यानी कि एक्स पॉइंट पर जो फील्ड है, वाई पॉइंट पर जो फील्ड है, उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। पर अगर स्पेसिंग कैसी है, अगर स्पेसिंग ऐसी है, ये देखो यहां पर, यहां पर स्पेसिंग टाइट है, पास है, यहां पर स्पेसिंग दूर है, तो यहां फील्ड वीक होगा, यहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जितनी टाइट होंगी लाइंस, फील्ड स्ट्रांग है, जितनी दूर दूर होंगी, फील्ड वीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब लाइंस के बीच में स्पेसिंग हमेशा क्या रहेगी? सेम। तो यानी कि ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, अगर 10 है तो हर जगह पर 10 ही रहेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये रूल समझ में आ रहे हैं सबको? कोई डाउट इसमें? ना ना, वो क्या करेंगे वो अभी तो टेंशन वाले। तो एक काम करते हैं, एक शीट दी है मैंने आपको अभी, कौन सा ये वाला, यहां पे स्पेसिंग टाइट है ना, पास है, तो यहां फील्ड स्ट्रांग है, यहां दूर दूर है तो फील्ड वीक है, ये इसका मतलब। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 लो, 5-7 मिनट लो और कर दो सॉल्व। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 करो सॉल्व।
ओके, जो ऑनलाइन है वो देखें प्लीज इधर। ओ ये नहीं है, ये असाइनमेंट है। देखो इसे, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड थ्री पॉइंट चार्जेस ए बी एंड सी। तो इसके अंदर विच चार्जेस आर पॉजिटिव, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो कौन से चार्जेस इसमें पॉजिटिव हैं? ए एंड सी। ओके, ए एंड सी, क्योंकि लाइंस बाहर निकल रही हैं, लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट। विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई? सी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकल रही हैं। इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? कहां जीरो हो सकता है? सी और ए में, क्योंकि ए क्या है? पॉजिटिव। ए जो है वो क्या है? वो पॉजिटिव। सी भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अगर कोई लाइन खींचे और कोई पॉइंट यहां पर ले जहां पर ई निकालना है, जहां ई निकालना है प्लस वन, तो पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। और अगर इन दोनों वैल्यूज वेक्टर की वैल्यूज बराबर आ जाएं तो नेट आंसर क्या आ सकता है? जीरो। तो इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, हमें डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब कि जब दो चार्जेस सेम नेचर के होते हैं उनके बीच में कहीं पर ई निकालना होता है तो दो वैक्टर आपस में क्या हो सकते हैं? कैंसल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी हो सकता है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शन। ओ सॉरी, ऑप्शन नियर ए नियर सी। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। इसको 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 समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा, देखो कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि सपोज करो आपके पास ना दो चार्जेस हैं, ठीक। एक चार्ज जो है वो कितना है? 5 कूलम है, दूसरा सिर्फ 2 कूलम है, दोनों पॉजिटिव है। और दूसरा केस है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज कितना है? 5 कूलम है और दूसरा 5 कूलम है। तो अगर मैं तो मिड पॉइंट लेता हूं, मिड पॉइंट, तो और ई निकालता हूं, तो ये इसे क्या करेगा? रिपेल। ये इसे क्या करेगा? रिपेल विद सेम वैल्यू, और दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। नेट वैल्यू क्या आएगी? जीरो। डाउट इसमें मानते हैं इस चीज को। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम ई लगा रहे हैं, कैंसल। अगर ये अनइक्वल चार्जेस हैं, अनइक्वल चार्जेस में न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा? देखो ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट पे अगर मैं फिर से ई निकालता हूं तो ये इसके ऊपर ई लगाएगा, प्लस फाइव प्लस वन को रिपेल करेगा। मान लो इसने ई की वैल्यू लगाई 10, 10, कुछ भी लगाई। टू भी यहां पर ई लगाएगा, लेकिन टू उतना ई लगा नहीं पाएगा जितना फाइव ने लगाया था, क्योंकि फाइव बड़ा चार्ज है तो बड़ा ई लगाएगा, ये छोटा लगाएगा, डिस्टेंस तो बराबर है दोनों में। तो नेट आंसर जीरो नहीं आएगा। मेरे को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस क्वेश्चन में, 5 कूलम एंड 2 कूलम, जहां पर नेट ई जीरो आ जाए तो, और ये मिड पॉइंट है, तो बताओ मिड पॉइंट के राइट पे वो पॉइंट मिलेगा कि लेफ्ट में मिलेगा? राइट पे मिलेगा। क्यों? राइट पे इसलिए मिलेगा क्योंकि 5 कूलम ज्यादा ई लगाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस दूर कर देते हैं। डिस्टेंस दूर करने से अब ये मान लो थोड़ा कम ई की वैल्यू लगा, पहले कितना लगा रहा था मिड पॉइंट पे? 10 लगा रहा था, करते 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 इस पॉइंट पर 10, 9, 7 करते करते 3 लगा रहा है, क्योंकि 5 कूलम से जितना दूर पॉइंट होगा ई की वैल्यू भी उतनी कम होगी। लेकिन 2 कूलम के लिए ये पॉइंट नजदीक हो गया तो ये ज्यादा ई लगाएगा, तो कितना लगा रहा है ये भी मान लो 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकती है, जैसे इमेजिन करवा रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर दो अनइक्वल चार्जेस हैं और मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे दो अनइक्वल चार्जेस नेट ई जीरो नहीं कर सकते।
और अगर आप चाहते हो कि नेट इज जीरो करना है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द वीकर चार्ज। तो ये शॉर्टकट याद रहेगा कि अगर अनइक्वल चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द वीकर चार्ज। डन यहां तक, अब क्वेश्चन पे आ जाएं। तो क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा चार्ज है ना, ये सी वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर चार्ज बड़ा है, इसके ऊपर चार्ज छोटा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट में तो होगा नहीं, एक बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड द वीकर चार्ज। वीकर चार्ज क्या है, नियर ए। समझ में आया कैसे, क्लियर है यहां तक? तो ये इसका आंसर है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ये होमवर्क करके लाओगे, वैसे तो आपने कर भी लिया होगा क्योंकि मेरे को दो तीन क्वेश्चन फोर्स के भी डिस्कस करने हैं। क्या टाइम हुआ अभी एग्जैक्टली, 10 मिनट है ना अभी? हाँ ठीक है, 10 मिनट है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाली शीट तो आप होमवर्क करोगे करोगे। तो मैं एक बार जरा फोर्स को खत्म कर दूं, मेरे दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, जरा वो भी खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क क्लियर है, तो इसके ऊपर आप ट्राई करना है सिंपल। ओके, तो ये एक ना सब्जेक्टिव शीट नंबर 2 थी, सब्जेक्टिव शीट नंबर 2 शायद पहले मिली होगी या मुझे पता नहीं मिली, हाँ आज मिली है, आज मिली है, आज मिली है आपको। इसमें ना कुछ क्वेश्चन थे जो हर साल ना डाउट्स की फॉर्म में आते हैं, नॉट फॉर एनसीईआरटी है, लिख सकते हो इसके ऊपर नॉट फॉर एनसीईआरटी, चाहे सब्जेक्टिव है एनसीईआरटी की बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो एनसीईआरटी का होगा मार्क करवा दूंगा, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो मार्क करवा दूंगा, 2-3 नहीं करने, सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए करने हैं। तो पहला पॉइंट है, टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू एंड टू क्यू आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी। तो क्यू एंड टू क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ डी। अ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी केप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच अ वे दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन छोटा क्यू एंड टू क्यू इज जीरो। कह रहे कैपिटल क्यू को यहां रख दिया, जैसे ही कैपिटल क्यू को रखा, कहां पर रखा, कहीं पर भी x डिस्टेंस पे, तो ये दूरी कितनी होगी, d माइनस एक्स। कह रहे ऐसा रखने से इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो आ गई और इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, यानी ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। क्लियर है यहां तक? आपको बताना है x क्या होगा, क्वेश्चन में आ गया, वही इक्विलिब्रियम वाली सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो एक काम करते हैं कि जब मैं यहां पर कैपिटल क्यू रखता हूं तो मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो कि ये Q इस कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, या एक मिनट, ये इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आएगी, ये बोला ना इसने, ये कैपिटल Q, तो इस वेक्टर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे नेट फोर्स, अगर इसकी जीरो है तो सारे वेक्टर इस पे ड्रॉ करके देखते हैं, तो ये कैपिटल Q इस Q को क्या करेगा, रिपेल, और 2Q भी इस Q को क्या करेगा, रिपेल। टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड करेंगे, नेट आंसर आएगा कम से कम जीरो तो नहीं आएगा। जीरो कैसे आ सकता है, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ऐड करके कैंसिल तो हुए नहीं, तो इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। अच्छा इसका देखते हैं, वो कह रहा है इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है, कौन लगाएगा इस पे फोर्स, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, कैपिटल क्यू टू क्यू को क्या करेगा, रिपेल, क्यू भी टू क्यू को क्या करेगा, रिपेल, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो नेट ऐड हो गया, और जब ये ऐड हो गया तो उस केस में नेट आंसर जीरो आ नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी तो बात बनेगी नहीं, तो उस केस में दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव से तो आंसर आया नहीं, चलो नेगेटिव से करके देख लेते हैं। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव रखता हूं, नेट फोर्स इस पे जीरो है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, और ये 2q इस q को क्या करेगा, हाँ इट मेक्स सेंस, टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मे कैंसल ईच अदर, एंड इफ दे कैंसल ईच अदर तो नेट फोर्स विल बिकम जीरो। उसी तरीके से ये माइनस q इस 2q को क्या करेगा, अट्रैक्ट, एंड वो क्यू इस टू क्यू को क्या करेगा, तो दे में कैंसल, एंड इफ दे कैंसल नेट फोर्स इज जीरो। इसका मतलब मानना पड़ेगा कि ये चार्ज
पॉजिटिव नहीं होगा, ये चार्ज नेगेटिव होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव करके देखा ना मैंने, पॉजिटिव पहले तो मेरे माइंड में पॉजिटिव ही आया पर उससे आंसर नहीं आया, फिर मेरे माइंड चेंज हुआ, मेरा माइंड चेंज हुआ कि चलो नेगेटिव करके देखते हैं, तो दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट आ गए। तो एक्स निकालने, तो इसमें एक काम करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम बनाते हैं क्यू का, माइनस क्यू क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ओनली, साइन नहीं पुट करना, 1/4 πε0 qq/x2। और वो 2qq को क्या करेगा रिपेल, कितनी फोर्स से, 1/4 πε0 q इंटू, या 2q नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ 2 भी आएगा, q इंटू 2q डिवाइडेड बाय इसमें और इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो d का स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये स्टेप समझ में आया कि इस चार्ज पे इसकी फोर्स लगा ली, इस चार्ज पे इसकी फोर्स लगा ली, और अगर इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को इक्वल, ये लो पहली क्वेश्चन क्लियर है, बन गया इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है ये भी तो इक्विलिब्रियम में, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो माइनस क्यू इस क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट, कितनी वैल्यू के साथ, 1/4 πε0 2q × q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप भी क्लियर है, एंड ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा रिपेल, 1/4 πε0 q × 2q/d का स्क्वायर। और क्योंकि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम होगा। तो बना लिया इक्विलिब्रियम दोनों का, लेफ्ट का भी और राइट का भी, और आपको क्या निकालना है एक्स निकालना है। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखें, इन दो इक्वेशंस में इनका लेफ्ट हैंड साइड दोनों में एग्जैक्टली क्या है सेम, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या आएगा सेम, इक्वेट कर दिया, क्यू से क्यू कैंसिल, ये सब कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आंसर, चलो आंसर तो अलग बात है, मैंने गूगल ड्राइव शेयर कर दी है, मेल्स आई होंगी आप लोगों को, अब सॉल्यूशंस आप उसमें देख सकते हो, जिसको नहीं आई मुझे व्हाट्सएप कर दे नॉट रिसीव्ड तो मैं आपको ऐड कर दूंगा अभी, तो जिस जिसकी नहीं आई ईमेल सेंड कर दो मुझे किस पे शेयर करवानी है, वो आप मैं थोड़ी देर में ऐड कर दूंगा, काफ़ी लोगों को आ चुकी होगी, हर स्टूडेंट का जो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था ना उसका पहला ईमेल जो आपने स्टूडेंट ईमेल आईडी दिया था उसके ऊपर आई है, आपको चेंज करवाना है इट्स ओके, आप मुझे अपना ईमेल सेंड कर दें बस मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो ये सारी शीट के सॉल्यूशंस में आ जाएंगे आपके। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, मेथड समझ में आया कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमने ऑब्जेक्टिव में किया शायद ये, कि भाई चार चार्जेस हैं क्यू 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 क्यू, तो वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट चार्ज दैट विल डू सो इफ प्लेस्ड एट द सेंटर, तो मतलब कि वो क्या कह रहे हैं इसमें, अच्छा वो कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड Q इन इक्विलिब्रियम, चार चार्जेस कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, कह रहे सारी इक्विलिब्रियम में, तो बताओ सेंटर पे कितना चार्ज रखें कि चारों चार्जेस किस में रहें इन इक्विलिब्रियम। अब कहानी फिर वहीं से स्टार्ट होती है कि पहले अपने मन में क्या सोचता हूं कि ये चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, स्टार्ट तो हर बंदा पॉजिटिव से करता है ना, फिर कोई भी एक चार्ज लेगा इन चारों में से, मान लो ये चार्ज ले लिया इसको इक्विलिब्रियम बनाएगा, ये चार्ज इसे क्या करेगा रिपेल, ये चार्ज इसे क्या करेगा रिपेल, वो चार्ज इसे क्या करेगा रिपेल, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नहीं ये चार्ज भी इसे क्या करेगा रिपेल। अब कैंसिल करने वाला कोई वेक्टर रहा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, इट मींस कि इसको पॉजिटिव नहीं होना, इसे क्या होना है नेगेटिव होना है। पॉइंट समझ में आ रहा है नेगेटिव क्यों होना है, क्योंकि पॉजिटिव रखेंगे इसका इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, हम क्या रखेंगे इसमें से नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव वैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, नेगेटिव रखने से क्या होगा, नेगेटिव रखने से ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल इस फोर्स के साथ, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल सेम फोर्स के साथ, वो चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल, इनके बीच में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है रूट टू ए, तो इस फोर्स के साथ ये रहा, और माइनस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, कितनी फोर्स के साथ 1/4 πε0 q
क्यू इंटू क्यू ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। सारी फोर्सेस क्लियर है, हमने ये ऑब्जेक्टिव में किया था। फिर क्या सिखाया था कि इसे और इसका क्या लेना है, वेक्टर सम इस तरफ आएगा, फिर ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड करके इसके इक्वल कर देना है एंड दे विल कैंसिल ईच अदर, तो क्या बनेगा इक्विलिब्रियम। तो यही किया मैंने इसमें एग्जैक्टली, इसके अंदर एफ और एफ का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर किसके अलोंग आएगा, एफ डैश के अलोंग आएगा, तो एफ डैश और अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर ऐड और एंड इट विल बी कैंसल्ड बाय एफ डबल डैश। तो यहां से सॉल्व करके एफ डैश की एफ की एफ डबल डैश की वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। तो आपको मेथड समझ में आ रहा है, देखो कैलकुलेशन तो नहीं मैं अभी इतनी जल्दी करवा पाऊंगा, तो आपको घर जाकर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी शीट आपके पास है, आप खुद बना बना के प्लीज इसका आंसर चेक करना, तो इसको मत देखना, इसको एंड में देखना। तो आपका होमवर्क है ये भी, इस शीट के अंदर भी आपने दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या करना है, गूगल ड्राइव शेयर हो गई, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, लेकिन पहले खुद एक बार ट्राई जरूर करना है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है, वो इसको टच करता है, वो इसे टच करता है, इसे टच करता है, तो ये सेम प्रॉब्लम है इसमें। ये प्रॉब्लम है, इसमें टाइम लगेगा, कोई भी इसको नेक्स्ट टाइम ही करते हैं फिर, कोई बात नहीं। पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो एक आपके पास दो होमवर्क हो गए, एक तो ऑब्जेक्टिव शीट होमवर्क हो गया, इस शीट के क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क हो गया, टू होमवर्क हो गया, लिखो थ्री होमवर्क हो गया, थ्री भी मार्क करो, थ्री थ्री फोर रहने देना, थ्री ये नहीं होगा आपसे अभी, नहीं होगा थ्री, एक दो तीन, बस ये तीन क्वेश्चन आप ट्राई करने हैं, बाकी मुश्किल है इसके। पॉइंट क्लियर है यहां तक। अगली बार टेस्ट के टॉपिक्स में डाल दूंगा आज, क्या क्या तैयार करके आना है, वो टॉपिक एडवर्टाइज तैयार करके लाने हैं आपने, सब्जेक्टिव टेस्ट है अगली बार, सब्जेक्टिव होगा क्लास में, पहले क्लास के बाद, क्लास के बाद मतलब 10 मिनट पहले शुरू, 4:50 से 5:10।